डॉन 3 के अनाउंसमेंट के बारे में हम सब जानते ही थे, जिसको हम लोग मांग नहीं रहे थे, लेकिन ये जबरदस्ती दे गए वैसे जैसे एक एम्प्लॉय को ऑफिस आवर्स के बाद भी काम दे दिया हो। लेकिन खैर, फरहान अख्तर ने आज के हिसाब से छोटा डॉन को प्रेजेंट किया, यानी कि हमारे रणवीर सिंह को, जिसका अनाउंसमेंट वीडियो हम लोग ने पहले ही देख लिया था। यार वो देख के ऐसा लग रहा था जैसे मानकुर से एमसी स्टैन डॉन बना हो। यार इस डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस खुद बोलेगी कि जा बेटा तू क्राइम कर, हम खुद छुट्टी पे चले जाएंगे। अरे तू बिंदास डाका डाल, हम खुद गिरफ्तार हो जाएंगे। बट पता नहीं ये सच है कि अफवाह है। मैंने सुना था कि डॉन 3 के अनाउंसमेंट के बाद शाहरुख खान ने रणवीर सिंह को एमएक्स प्लेयर तक पे ब्लॉक किया था। ऐसा है ना कि रणवीर सिंह बहुत अच्छा एक्टर है, जिसको डॉन 3 को लेके हम उसको घर बैठना देखना ज्यादा पसंद करेंगे। कि हमारे अंदर डॉन को लेके जो छाप है, जो मेमोरीज है, हम उसमें कोई चेंजेस देखना भी नहीं चाहते, ना अज्यूम भी करना चाहते, इनफैक्ट वो हमसे सहन भी नहीं होगा। लेकिन मेकर्स की अलग ही जिद है, और इस जिद का कल आगे एक और स्टेप देखने मिलता है, जहां पर ये लोग बोलते हैं कि हम एक स्पेशल अनाउंसमेंट डालने वाले डॉन 3 को लेकर। स्पेशल अनाउंसमेंट के नाम पे उतना ही स्पेशल चीज आता है जितना मानो आपके बाप ने एक स्पेशल कॉल करके आपको बोल दिया हो कि रात को बेटा आराम से लेटा। और आज इस अनाउंसमेंट वीडियो में पता चलता है कि डॉन 3 की हीरोइन होने वाली है कियारा आडवाणी। अब कियारा आडवाणी से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो क्यूट है, तो उनकी सारी गलती माफ है। लेकिन ये क्या तरीका हुआ अनाउंसमेंट वीडियो डालने का, ना कोई फोटो, ना कोई ग्लिम्स, ना कोई डायलॉग। मतलब इस वीडियो को बनाने में उतना ही मेहनत किया गया जितना एक कंटेस्टेंट बिग बॉस में आने से पहले अपने करियर में मेहनत करता है। मतलब एक तरफ आप रणवीर सिंह को दुल्हन सजा के घाघरा पहना के भोईदापाड़ा का डॉन बता रहे हो, बना रहे हो, और दूसरी तरफ अनाउंसमेंट वीडियो आता है फीमेल एक्ट्रेस का तो सिर्फ कियारा आडवाणी का नाम ही आता है। ये इज्जत करते हो आप फीमेल एक्ट्रेस की, और फिर दूसरी तरफ जावेद अख्तर संदीप रेड्डी की फिल्मों पे आवाज उठाते हैं। वाह रे वाह। एनीवेज भैया, ये अनाउंसमेंट तो मेरे लिए इतना स्पेशल था कि भाई साहब मैं ये टॉपिक को सिर्फ व्यूज के लिए ही चूज किया हूं। बट दूसरी तरफ एक स्पेशल न्यूज आपको बता दूं कि टाइगर 3 जो कि 5000 करोड़ माइनस 4007 करोड़ कमाने के बाद अब आदित्य चोपड़ा का खोपड़ा में बत्ती जलती है, एंड वो इस आईएसआई यूनिवर्स में एक सीक्वल डालते, एक फिल्म डालते, जो कि रहती है शाहरुख खान की मोस्ट हिस्टोरिक फिल्म यानी कि पठान का सीक्वल। यस, ये वही फिल्म जिसने ग्रैंड कमबैक कराया था, ये वही फिल्म जिसने इंडस्ट्री का पहला 1000 करोड़ लाया था, ये वही फिल्म जिसने इंडस्ट्री को रिवाइव किया था, ये वही फिल्म जिसको लोगों ने भर-भर के सेलिब्रेट भी किया था, लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने हेट भी किया था। देख लेना, जब पठान 1000 करोड़ का रिकॉर्ड बनाती है तो सीक्वल की तो अलग ही वैल्यू पहुंच जाती है। तो इसका सीक्वल को जो डिनाई भी करेंगे, जो हेट भी करते रहेंगे पठान को, वो भी भर-भर के देखने जाएंगे, और देखना ऐसा बंपर रिकॉर्ड बनाएगी जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस सीन यही है कि आदित्य चोपड़ा के खोपड़ा में एक चीज आना चाहिए कि अब पाकिस्तानी प्रेम वाला कॉन्सेप्ट नहीं डालना चाहिए, वरना लोगों का प्रेम से भरोसा उठ जाएगा या फिर चलते फिल्म से लोग थिएटर से उठ जाएंगे। देखो ये फिल्म इस यूनिवर्स की 8वीं फिल्म रहेगी जो वॉर 2 एंड एक फीमेल स्पाई फिल्म के बाद आएगा, जो कि सेट क्रिएट करेगा, सीन क्रिएट करेगा, बिल्डअप क्रिएट करेगा फॉर टाइगर वर्सेस पठान मूवी के लिए। तो भाई साहब आप देखते हैं इस यूनिवर्स को कितना इंटरेस्टिंग ये लोग बनाते, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट टाइगर 3 के बाद ढीला हो गया है, तो ये चीज शायद से इनके मेकर्स को समझ भी आ गया रहेगा। बट देखते क्या होता है। सो आप लोगों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि यार मोटिवेशनल मिले थोड़ा यार कि अच्छा अच्छा वीडियो लाइव मिलते अगले वीडियो। बाय।